हूं अजय सिंह तोमर, आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं मौत के गड्ढे की। जी हां, मौत का गड्ढा एक ऐसा गड्ढा जो कभी भी मानव जीवन को लील सकता है, ऐसा ही गड्ढा जो वर्षों से खुदा पड़ा है, ऐसा ही गड्ढा जो किसी निजी टावर कंपनी ने खोद के पटक रखा है, और ऐसा ही गड्ढा जिसे यहाँ के अधिकारियों को और अन्य जनप्रतिनिधियों को नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम आप उसको दिखा रहे हैं, वह उस मौत के गड्ढे की तस्वीर, और लाइव आप देखिए गड्ढे की तस्वीर, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। मैं हूं अजय सिंह तोमर। हमारी खबरों को आप करिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर। हम आपको दिखाते हैं, आज बात कर रहे हैं मौत के गड्ढे की। जी हाँ, रिको के सामने विकट मोड़ पर एक वर्षों से एक मौत का गड्ढा बना हुआ है, जिसमें गंदा पानी भी भरा हुआ है। यह गड्ढा तीन से चार फीट के लगभग गहरा गड्ढा हो सकता है, लेकिन प्रशासन की इस पर कोई नज़र नहीं पड़ रही है। देख सकते हैं आप हमारी स्क्रीन पर। हम आपको जानकारी दे दें कि यह रिको के विकट मोड़ पर पंचायत समिति की ओर जाने वाले मार्ग पर है। यही मार्ग इस चौराहे से सीधी जार्डन की ओर जा सकते हैं, अस्पताल की ओर जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता पंचायत समिति की ओर जाता है। तो आप इस गड्ढे को देखिए, कितना गहरा गड्ढा हो सकता है। हम तो आपको 3 से 4 फीट इसका होना बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक निजी टावर कंपनी ने यह गड्ढा खोदा था, जिसमें पाइप डालकर उसके अंदर से वायर को खींचा गया था, लेकिन तभी से यह गड्ढा अभी तक खुदा पड़ा है, इसको दुरुस्त नहीं किया गया है। रात्रि में यह गड्ढा किसी के जीवन को समाप्त कर सकता है, लेकिन अधिकारियों की नहीं नींद टूट रही, नगर पालिका की नहीं नींद टूट रही। ग्राम पंचायत पूर्व में थी, उस समय भी यह गड्ढा खुदा हुआ है था, लेकिन आज भी नगर पालिका होने पर भी यह गड्ढा खुदा हुआ है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर हमारे इस रिक्को के सामने जो गड्ढा खुदा हुआ है, इसको इस पर विकट मोड़ है, आप देख सकते हैं सीधे इधर से ट्रैक्टर भी निकल रहे हैं, दुपहिया वाहन भी निकल रहे हैं, और आम नागरिक पैदल भी निकल रहे हैं। लेकिन यह गड्ढा जो है, रात्रि में किसी की भी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। कोई भी शराबी प्रवृत्ति का आदमी अगर इसमें गिर जाए तो शायद उसे वहाँ से निकलते हुए लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि गड्ढा इतना गहरा है कि डूबने के बाद आदमी इसमें शायद ही दिखाई दे। तो प्रशासन भी के अधिकारी भी यहाँ से कई बार निकलते हैं, लेकिन इस गड्ढे की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी प्रशासनिक अधिकारियों की? क्या प्रशासनिक अधिकारी इस जो जिसने भी ये गड्ढा खोदा है, जिस निजी कंपनी टावर है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे पदाधिकारी? यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह खतरनाक गड्ढा है, मौत का गड्ढा है, जो कभी भी किसी को भी जीवन समाप्त कर सकता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़।